हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 8A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है कि दीर्घवृत्त, देखिए यहाँ दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ दीर्घवृत्त का समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर बाई में 16 प्लस का वाई स्क्वायर बाई में 9 इक्वल टू 1। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं ना दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इस रूप में होता है। तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग इसका आलेख बना लेते हैं। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पर हम लोग वाई अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स और यहाँ देते हैं एक्स डैश, ये आपका हो जाएगा वाई और यहाँ हो जाएगा आपका वाई डैश। चलिए तो दीर्घवृत्त की बात करें तो जो दीर्घवृत्त होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, जो दीर्घवृत्त इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक 4,0, इसका निर्देशांक 0,3, इसका निर्देशांक -4,0 और यहाँ हो जाएगा 0,-3। हमें इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले अगर हम लोग इसके एक भाग ये वाले प्रथम पाद में जो पड़ रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। चलिए इसका निर्देशांक क्या होगा, 0,0 का मूल बिंदु है तो इसे ए दे देते हैं, यहाँ बी देते हैं। तो पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं और फिर हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो इससे वाई का वैल्यू निकालो, तो वाई का अगर वैल्यू निकालते हैं तो एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में चलेंगे और एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो वाई अक्ष के रेस्पेक्ट में चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई का ही वैल्यू निकाल के एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में चलते हैं। वाई स्क्वायर बाई में 3 का स्क्वायर वो टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई में 4 का स्क्वायर। वाई स्क्वायर बाई में 3 स्क्वायर और इक्वल टू में नीचे आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको लाते हैं इधर मल्टीप्लाई में, तो वाई इक्वल टू में हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई में 4 का स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। स्क्वायर जाएगा रूट में और यहाँ क्या आ जाएगा, आ जाएगा 3/4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे इसे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वह 4 गुना हो जाएगा ओ ए बी ओ के क्षेत्रफल के। तो 4 गुना में इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट है 0 to 4 और ये हम लोग देख रहे हैं इस वक्र से बना है और इसमें वाई के वैल्यू हमने यहाँ निकाला है 3/4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 4 से 4 कट जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 3 इंटू में देखिए ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर फिर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई में ए यानी एक्स बाई में 4 और लिमिट है आपका 0 to 4। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा 3 इंटू में देखिए 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 0, ये टोटल 0 हो गया। 4 यहाँ देखिए ये 4/16 कट जाएगा आपका 8 आ जाएगा और यहाँ देखिए 4 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 2। फिर माइनस 0 रखना है तो 0 रखने से ये 0 और 0 रखने से ये भी 0। चलिए इसे हम लोग ये काट सकते हैं 4π, 4 × 3 = 12π, 12π वर्ग इकाई यहाँ से इसका आंसर आ गया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्रफल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई में 4, ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर बाई में 9 इक्वल टू में 1। हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई में 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए पहले इसका हम लोग यहाँ पे आरेख बना लेते हैं। एक्स अक्ष हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ये वाई अक्ष देते हैं, ध्यान से देखिएगा इसका ग्राफ एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो इसका दीर्घ अक्ष जो होगा वाई अक्ष का अनुदिश होगा, यानी कि ये दीर्घवृत्त कुछ इस तरह से बनेगा, है ना जी। चलिए यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 2,0 इसका हो जाएगा आपका 0,3 यहाँ -2,0 और यहाँ 0,-3। हमें क्या करना है, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग पहले यहाँ पे ओ ये 0,0
जैसे ए देते हैं या बी देते हैं, तो ओ ए बी का निकाल के हम लोग चार से गुणा कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें भी एक सक्सेस में देख सकते हैं वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो वाई स्क्वायर बाई में थ्री का स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई में टू का स्क्वायर। वाई स्क्वायर बाई में थ्री का स्क्वायर इक्वल टू में इधर एलसीएम होगा टू का स्क्वायर, यहाँ जाएगा टू का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में थ्री का स्क्वायर बाई में टू का स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा रूट में, तो यहाँ से रूट हट जाएगा और इसमें रूट लगेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा थ्री बाई टू रूट अंडर टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा चार गुना ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल के। तो ये आपका जीरो से लेकर टू तक गया हुआ है, चलिए आप देखिए यहाँ पे फोर इंटू में जीरो से लेकर टू तक गया है और इसका यहाँ पे वाई का वैल्यू है थ्री बाई टू रूट अंडर टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में, इसे हम लोग काट सकते हैं दो बार में, तो यहाँ तीन दुना छः हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी टू का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई में टू, और लिमिट है आपका जीरो से टू। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिक्स इंटू में, देखिए ये टू रखेंगे तो ये टू बाई टू वन और यहाँ टू रखेंगे तो ये जीरो, जीरो हो गया टोटल, यहाँ टू रखेंगे तो ये आपका कट के टू आ जाएगा और यहाँ टू रखेंगे साइन इनवर्स वन यानी कि पाई बाई टू माइनस, फिर जीरो रखेंगे तो ये जीरो और ये भी जीरो, ये आपका कट जाएगा सिक्स पाई छः पाई वर्ग का यहाँ से क्षेत्रफल आ गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्या कह रहा है, सरल रेखा दिया हुआ वाई इक्वल टू एम एक्स, एक्स अक्ष और कोटि एक्स इक्वल टू थ्री के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से समझिए इसको, वाई इक्वल टू में एम एक्स की बात करते हैं, ध्यान से देखिए ये एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो अगर वाई इक्वल टू एम एक्स की बात करेंगे तो वो देखो मूल बिंदु से ही जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर, मतलब जहाँ से भी जाएगा मूल बिंदु से ही जाएगा, इसी तरह का कुछ होगा, ठीक है, ये किसका रेखा हो गया वाई इक्वल टू में एम एक्स का। अच्छा एक्स अक्ष ये रहा, एक्स अक्ष ये रहा और एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री इधर देखो वन टू थ्री मान लो यहाँ पर थ्री होगा, ठीक है एक्स इक्वल टू में थ्री, इन सबसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इन सबसे घिरा हुआ क्षेत्र यही ना है जी, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये ओ हो गया इसका मूल बिंदु निर्देशांक जीरो जीरो, ये ए देते हैं इसका निर्देशांक थ्री जीरो और यहाँ पे बी देते हैं, तो हमें यहाँ पे छायांकित भाग का ही ना क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो यहाँ पे वक्र दिया है वाई इक्वल टू में एम एक्स सरल रेखा के रूप में, ठीक है यही ना दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं, चलिए ये आपके पास सरल रेखा दिया है एक्स अक्ष और तथा कोटि कोटि एक्स इक्वल टू में थ्री, इन सबसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमें निकालना है ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये जीरो से लेके थ्री तक गया है और एम एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स है ना जी, एम को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और यहाँ जीरो टू थ्री। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा m, यहाँ पे आ जाएगा थ्री का स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर बाई टू, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नाइन बाई में टू एम, नाइन बाई में टू एम वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं टेन, क्या कह रहा है कि परवल है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बाई एक्स अक्ष और कोटि एक्स इक्वल टू सी के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है परवल है का समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू में फोर ए वाई, तो यहाँ से वाई का वैल्यू हो जाएगा आपका वन बाई फोर ए एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले हम लोग इसका आलेख खींच लेते हैं इस परवल का, ये एक्स अक्ष हो गया ये आपका वाई एक्स हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं आप देखिए एक्स, यहाँ पर ले लेते हैं आपका एक्स डैश, ये ले लेते हैं वाई और यहाँ पर ले लेते हैं वाई डैश, ठीक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, इसी तरह से जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में फोर ए वाई, क्या कह रहा है एक्स एक्स अक्ष, एक्स अक्ष और एक्स इक्वल टू सी, मान लेते हैं एक्स इक्वल टू सी कहीं इधर से जा रहा है, ठीक है। तो इन तीनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालना है ये वाला क्षेत्र का,
चलिए यहाँ पे ओ देते हैं इसका निर्देशांक 0 0, इसे ए देते हैं इसका निर्देशांक सी 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स इक्वल टू सी के लिए ये रेखा है। चलिए और यहाँ पर हम लोग बी देते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल जो होगा वह कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 टू लेकर C तक गया है और इसका 1/4 AX² डेरिवेटिव हो जाएगा, 1/4 A, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका X³/3 और लिमिट है 0 टू C, तो यानी आ जाएगा 1/4 A और यहाँ हो जाएगा आपका C³/3 माइनस 0³/3, ये ना हो जाएगा तो ये 0³/3 0 हो गया, यहाँ पे बच जाएगा जो आपका हो जाएगा C³/12 A² आपका क्षेत्रफल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, परवलय y² = 4x के उस भाग का क्षेत्रफल कहती है जो x अक्ष कोटि x = 2 है तथा नाभिलंब से घिरा हुआ है, नाभिलंब से घिरा हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास परवलय y² = 4 AX दिया है तो y² = 4 AX का जो ग्राफ होगा किस तरह से जाएगा थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। चलिए y² = 4 AX ये रहा, ठीक है, तो x अक्ष ये रहा, ये y² = 4 AX का ग्राफ हो गया, x अक्ष ये रहा, यहाँ पर x = 2 A कह रहा है तथा नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो नाभि लंब जो होता है वह नाभि से होकर जाने वाला जो लंब होता है उसी को ना नाभि लंब कहते हैं, है ना जी, नाभि से होकर इसके जाने, तो नाभि का निर्देशांक आपको पता है 1, 0 होता है, तो नाभि लंब से, नाभि लंब की बात करें जो नाभि से होकर जाने वाली जो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपकी जीवा है वही आपका क्या कहलाता है, नाभि लंब होता है। तो इसके अगर हम लोग समीकरण की बात करेंगे तो इसके इसके समीकरण की बात करेंगे तो ये x = A हो जाएगा, आप अगर देखो तो ये x = A हो जाएगा और इसका निर्देशांक 1, 0। अच्छा x = 2 A की बात करेंगे तो x = 2 A इधर होगा कहीं, है ना जी, x = 2 A इधर होगा, x = 2 A इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ A देते हैं, इसको B देते हैं, इसका निर्देशांक 2A, 0 हो जाएगा, यहाँ पर C देते हैं और यहाँ पर D देते हैं, तो हम लोग हमें क्या करना है, हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो y² = 4x पर वलय का समीकरण दिया है तो यहाँ से y = में हो जाएगा 4√A × x^(1/2), यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब हमें यहाँ पे लिखना है कि ABCDA का क्षेत्रफल, तो किस तरह से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका A(2, 2A) और यहाँ 4√A(x^(1/2) विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 4√A कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे A(2, 2A) x^(1/2) विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x^(3/2) और यहाँ पे 2/3 आ जाएगा और लिमिट है आपका A(2, 2A। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√A/3 और अंदर हो जाएगा x^(3/2) और लिमिट है A(2, 2A, 8√A/3 और यहाँ आ जाएगा आपका 2A³/3/2 और फिर -A³/3/2। चलिए देखिए क्या करते हैं, 8√1/3 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 और इंटू में A√2, अलग अलग पहले लिख लेते हैं सेपरेटली और माइनस का इसे A√A लिख देते हैं, ठीक है, A√A होगा यहाँ पे, ठीक है A√A। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप अगर देखोगे इसमें तो इसको आप एक काम करो, यहाँ पे आप यहाँ से A√A कॉमन कर लो, तो A√A कॉमन कर लोगे तो यहाँ हो जाएगा 8/3 A² और यहाँ 2√2 - 1² ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वृत्त जिसका समीकरण यहाँ दिया हुआ है x² + y² = 4A², तो आप इसे चाहो तो लिख सकते हैं x² + y² = 2A², ठीक है, तो यहाँ ये त्रिज्या होगी इसकी 2A और रेखा x = A के द्वारा दो भागों में विभाजित करती है, किया जाता है, अच्छा रेखा x = A द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है ना,
क्या करा, दोनों भागों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों भागों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए आपके क्वेश्चन में कह रहा है। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं, समझिए यहाँ पे ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। दिखा देते हैं पहले, ये आपका एक्स और इधर एक्स डैश, ये हमारा वाई हो जाएगा और ये आपका वाई डैश हो जाएगा। तो अगर हम लोग वृत्त इस पे दिखाएं तो कुछ इस तरह से वो वृत्त होगा, वृत्त इसी तरह से ना होगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2a, 2a यानी कि यहाँ 2a कॉमा 0, यहाँ 0 कॉमा 2a है ना, यहाँ 0 माइनस 2a कॉमा 0 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 कॉमा में माइनस का 2a। अच्छा फिर क्या कह रहा है, x बराबर a द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है, तो x बराबर a इसके बीचों बीच यहाँ से जाएगा, ऐसे ना होगा, x बराबर a ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा दो भागों में बांटा जा रहा है ना जी, एक ये भाग हो गया और ये भाग हो गया, तो हमें क्या करना है कि दोनों भागों का अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है। तो समझ लीजिए इसको हमें क्या करना होगा, हम लोग इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के अनुपात में कर देंगे। तो हमें यहाँ पे दोनों का अनुपात निकालना है, तो पहले इसका नामकरण कर देंगे तो बेहतर रहेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग दे लेते हैं कोई बिंदु A, इसका निर्देशांक हो जाएगा A कॉमा 0, इसे B यहाँ पे C ले लेते हैं, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल के और फिर हम लोग दो से गुणा करेंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना जी। तो हम लोग लिखेंगे छोटे भाग का क्षेत्रफल, पहले यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल लो, तो वाई का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 2a का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं आप कि छोटे भाग का क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले का, तो क्या हो जाएगा, दो गुना में ए बी सी ए का क्षेत्रफल, ठीक है। इधर भी हम लोग नामकरण कर देंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर ए सी और इधर कोई देते हैं डी, इधर देते हैं ई, यहाँ ओ, इस तरह से। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, दो गुना में इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगा ए टू टू ए और रूट अंडर टू ए का स्क्वायर और माइनस का एक्स का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बाद देखिए टू इंटू में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स बाई टू रूट अंडर टू ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा x बाई में 2a और लिमिट है आपका a से 2a। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 को ऐसे ही बाहर रहने देते हैं, यहाँ 2a रखेंगे, यहाँ 2a रखेंगे तो a आ जाएगा, यहाँ 2a रखेंगे 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया टोटल। यहाँ पे देखिए 4a स्क्वायर बाई 2 यानी आ जाएगा 2a स्क्वायर और यहाँ साइन इनवर्स 2a बाई 2a यानी साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस ए को रखेंगे तो ए बाई टू और फिर रूट अंडर, यहाँ ए को रखेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ फोर ए स्क्वायर, सब रखेंगे रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर माइनस, अब इसको इसमें रखेंगे ना जी, तो यहाँ पर आ जाएगा टू ए स्क्वायर और इनटू में ये साइन इनवर्स 1/2 होगा, तो साइन इनवर्स 1/2 का होता है पाई बाई 6, ये इससे यहाँ पर कट जाएगा 3 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ अंदर जो है ना, यहाँ ए स्क्वायर है, ये भी ये बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, ये भी ए स्क्वायर है, तो टू ए स्क्वायर ये बाहर आ गया, अंदर यहाँ बच जाना है पाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का पाई बाई 3 और यहाँ माइनस का हो जाएगा रूट 3/2। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, टू ए स्क्वायर अंदर हो जाएगा आपका कितना, 6 एलसीएम, एलसीएम इसका 6 हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 पाई माइनस का 2 पाई और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 रूट 3, यानी जाएगा 2 ए स्क्वायर, या काट भी सकते इसको इसे 3 टाइम्स में, तो हो जाएगा 1/3 ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बाई 3, ए स्क्वायर बाई 3 यानी नीचे 3 हो जाएगा और इनटू में यहाँ हो जाएगा 4 पाई माइनस का 3 रूट 3, यही आ जाएगा इसका वर्ग इकाई, इतना क्षेत्रफल होगा। अच्छा बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना आसान भी है, हम लिख सकते हैं आप बड़े भाग का क्षेत्रफल, बड़े भाग का क्षेत्रफल, तो
तो टोटल क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, तो पाई आर स्क्वायर में से इसी को घटा लो, ये भी आपका अच्छा रहेगा, इस तरह से ही बनाना, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यहाँ त्रिज्या क्या है, त्रिज्या यही डायरेक्ट ही रख देते हैं, तो आपके क्वेश्चन में त्रिज्या जो दिया हुआ है ना, त्रिज्या वह बड़े वाले की बात करेंगे ना, बड़े वाले की, तो 2a है, तो 2a का स्क्वायर कर देंगे, 2a का स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर इंटू 3 और a स्क्वायर बाई 3 इंटू में 4 पाई माइनस का 3 रूट 3। अच्छा इसमें से एक काम करते हैं हम लोग, a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 4 पाई, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 पाई माइनस का 1 बाई 3 अंदर हो जाएगा, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट देते हैं, 4 पाई माइनस का 3 रूट 3। चलिए अब यहाँ अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर अंदर हो जाना है अब आपका, यहाँ पर एलसीएम 3, यहाँ आ जाएगा आपका 12 पाई और फिर 12 पाई और फिर यहाँ माइनस का 4 पाई और फिर प्लस का 3 रूट 3, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 3, अंदर आ जाएगा 8 पाई और प्लस का 3 रूट 3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल। अब इसके बाद देखिए, मैं इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला है, छोटे तथा बड़े भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे ना जी, तो उसका है ए स्क्वायर बाई 3 इंटू में 4 पाई माइनस का 3 रूट 3 और इसका है आपका ए स्क्वायर बाई 3 इंटू में 8 पाई प्लस का 3 रूट 3, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो अनुपात हमें मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, तो 4 पाई माइनस का 3 रूट 3 अनुपात 8 पाई प्लस का 3 रूट 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।